अस्सलाम वालेकुम। आज दा व्लॉग शुरू थींदा पए इत्थां दी जल्दी नाल ही कल में कपड़े धोते हैं तो इन वास्ते आज कपड़ियां दी इत्थां लिपटाई शुरू थी गई। मेरे कम वाले मासी आईयां खड़ी और लगियां खड़ियां अपने कम को झटपट नाल असा गाली गप्पा भी लेंदे पए तो सारे हाल अहवाल भी सुने दे पए तो सारे घर च कपड़े ही कपड़े फैले पए पूरे कमरे दे विच क्योंकि असा बैडशीटा भी लपेट के रखें दे पए वह भी नाल धोतियां से ये बैडशीटा लिपटी च गई हैं। इन्हों को मैं चंगी तरह से पैक कर करके रख दी पियाँ साइड दे उते जेरे वेले चाहिए उस असा इन्हों को निकाल के तो इस्तेमाल कर छोड़ूँ। अच्छा जी इतना कपड़ियाँ की अलमारी भी काफ़ी ख़राब थी पी है मैं कह चलो अलमारी की सैटिंग भी नाल नाल शुरू करो तुसा जो है ना उन्हें सारे पहले धोते हुए कपड़े लपेटे उनके बाद जड़े मैं रखन लगी हाँ तो जड़े मैं अलमारी की हालत डिठी है मैं कह चलो भी पहले तो अलमारी साफ करे सो तो उनके बाद ही कपड़े आसन ना ये जी इतना कपड़िया की सैटिंग थी गई है तुहाड़े सामने देखो कपड़े इत्थां लग गए बिल्कुल सैट थी गए अपनी जगह दे उत्ते आ गए। साड़ी अलमारी बहुत ही चंगे तरीके नाल साफ सुथरी थी गई है तो डिसिप्लिन च आ गई है। पहले तो इवें लगता पिया है कि कोई जिवें आंदरां लटक दियां पिया हुण कपड़े दे विचों कपड़े जो है ना इवें लटकदे पए अलमारी दे विचों। अच्छा जी इन्हां दी जिहड़ी मेरी कम वाली मासी आई है धीआं लगियां खड़ियां ने अलमारी की सफाई को तो उनकी माँ को मैं आख्या तू जल्दी नाल मेरे को चूल्हा लहा के ना साफ करके करके दे चंगी तरह दे उते वो उनकी रगड़ाई को लगी बैठी है सर्फ वाला पानी बढ़ा के तो वो जोर लई बैठी है बेचारी कई वेले तार नाल घिसेंदी है कई वेले स्कॉच ब्राइट नाल घिसेंदी है जिवें को समझ आती पी वो जोर लई बैठी है। चलो मैं आख्या तक ये भी दिखावा फजर का कम जरा सब खन पहले पहले कम शुरू थींदा पर यह हूँ लगसी चूल्हा किचन दे विच ते उंदे बाद जो है ना बिया खावण पकावण दा काम शुरू थी सी। ए जो है ना मैं महीने च एक दफ़ा चूल्हा लवा के ते चंगी तरह ते जरूर साफ करवेंदी हाँ इन्हां दी केयर करन बहुत ज़्यादा जरूरी होंदी है ना तां अगर असा चीज़ां कोई इग्नोर कर छोड़ू इवें छोड़ छोड़ू तो बस पिछे तो साडे दे उंदी हालत जो है ना किचन दी हालत किवें थी वेंदी है। इन्हां चीज़ां को जितना बंदा साफ करके रखदा है ना उतनियां चंगियां भी लगदियां तो भला जो है ना इन्हां दी जे उम्र भी है थोड़ी वध वेंदी है क्योंकि जल्दी जल्दी भला ख़राब नहीं थींदियां ते किचन साफ सुथरा होवे चमकदा पिया होवे कितना चंगा लगता है कितना सुकून मिलता है साफ सुथरे किचन को देख के। अच्छा जी ए मैं तो फ्रॉक दिखेंदी पी ए है मेरी भणे जी दी फ्रॉक उकू जी फ्रॉक चाहिए शादी वास्ते असा गए स्पेशल हूँ मैडम वास्ते चांदनी बाजार चुंदे वास्ते असा फ्रॉक गिन के हैं ए फ्रॉक साको मिली है 7000 दी ते फैंसी फ्रॉक है पी उन्हों को लॉन्ग टेल वाली चाहिए लेकिन जो है उन्हों को टेल भी चंगी नहीं लगी कहीं दी टेल भी घट है तो उन्हों को कलर भी पसंद नहीं आया तो उन्हों को डिज़ाइन भी पसंद नहीं आया ना मेरी बहन को पसंद है ना मेरी भड़ें जी को पसंद है। भड़ें जी मेरी 3 साल दी है तो अंदाज़ा करो कि उ भी रिजेक्ट कर छोड़ा है फ्रॉक को मैं कह सदका वाया तो कुर्बान वाया तो सब माँ दी दे नखरिया दे तू अच्छा बस हूँ नहीं पसंद आई तो क्या कर सकते से लिया दी सैर करके फ्रॉक वापस आ गई हूँ असा वला शराफत नाल वेंदे पे हैं फ्रॉक चेंज करन मैं आई खड़ी हाँ चांदनी बाजार ए आली जी वो दुकान है जिथू मैं फ्रॉक चेंज करवाई है ते फ्रॉक चेंज थी गई उंदी जाते मैं उंदे घर वाले कपड़े घिन गिदन क्योंकि बाजी उंदी लिया चो बहुत ही प्यारी पीच कलर दी फ्रॉक नैट वाली फ्रॉक बहुत खूबसूरत उंदी घिन गिदी है। असा जी मैं तो मेरा पुत्र खैरे मेरे असा वापस आ गए हैं रात दे टाइम गए असे फ्रॉक चेंज करवावन हूँ असा घर पहुँच गए हूँ दरवाज़ा खटकेंदे हैं देखो केंदी वारी है कौन खुलेंदा है खोलो जल्दी करो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये है जी उन्हें कपड़े ये मैं तो कहूँ एक रफली दिखेंदी पई हाँ 7000 दी उंदी फ्रॉक है तो 7500 दे उंदे 5 सूट मिलन जिंदे नाल इन्हां दी लैगिन भी है पई। अच्छा जी ये है इनू मिस्टर मैगी सोफिया के पिछू खिड़की है डेदा खड़ा कि मैं छलांग मार के वहाँ तो खिड़की को जरा नज़ारे करा मैं को डेदी पियामी कि केड़े कमां को लगा खड़ा है ये हूँ मेरे नाल लाज शुरू कर दे सी ये देखो जी ये मैगी दे कम इन पे मैगू मिला बीबी मैगू क्या कर रहा है बीबी ये हथा को सूंघ सी ये फील करे सी कि केड़ा बंदा ये पिया। अच्छा जी मैगी दियाँ मस्तियाँ तो जारी उसारी होंगे सारा डी तो यह है जी मेरे दूजे वाले कमरे का परदा जड़ा काफ़ी वड्डा है पिया तो ई गदे दो ते जड़ा मेहमान जड़ा बंदा बंद है ना तो वह उन्हें हेठ आ वेंदा बहुत बुरा लगता है सैटिंग भी चंगी नहीं लगती तो मैं अपने कम वाली मासी को आखे कि तू ये लहा के तो मेरे को बुलाई दी सिलाई करके दे
ਉਗਣ ਲਵਾਏ ਮੀ ਵਲਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੋ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲੱਥਾ ਪਏ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵਲਾ ਕੋ ਉਧੇੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੇ ਕੋ ਵੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਪਏ ਵੇ ਹੇਠ ਮੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਅਤੇ ਊਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਲਾ ਸਿਲਾਈ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੋ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਕਹਿ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਠਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬਹਿਰਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਮੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਪਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਥੀ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਅਤੇ ਵਲਾ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਲਾ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਦੱਸਿਆਂਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥਾਂ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਵਲਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਗਾੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਸਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋ ਹੋਟਲ ਛੋੜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮ ਫਿਲ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੇ ਸੀ ਵਲਾ ਕੋ ਗਿਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋ ਡਿਸ ਵੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਪੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਹੋਟਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਵੰਜ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਕ ਛੁੜੇਂਦੇ ਹੈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵਲਾ ਇੱਕ ਗਿਣ ਵੇਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨਰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਲਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅਸਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਸੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਸੂੰ ਗਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਕਰੇਸੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਵੇ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦਾ ਫਲੇਵਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਪ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖੇਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 12-15 ਫਲੇਵਰ ਪਏ ਹਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜੀਬਲ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਫਲੇਵਰ ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਡਰਾਈ ਨਟਸ ਪੈਣ ਟੋਪਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਘੱਤ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਾਮ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਪਿਸਤੇ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਚੋਕਲੇਟਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਗਿਣ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਝਟ ਪਟ ਅਸਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਦੀਏ ਇਹ ਹੇਠ ਗਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗਾਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘੰਟਾ ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਟਾਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੰਜਾਂ ਨਾ ਫਿਸਲੇ ਨਾ ਵਾਂਜੋ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਹੀ ਨਾ ਬੰਨੀ ਵਾਂਜੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਡੇਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਂਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਗਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਲਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋ ਗਿਣ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲਾ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਜੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਾਤ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਦੂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਕੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਲੀਮਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਥੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਭੇਣ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਵੰਜਣਾ ਵਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੜੋ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਕੂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਕੂ ਵਾਲਾ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਛੋੜਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੀਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਆਦਤ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਓ ਨਾ
तो घंटे डू दे बाद पता लगता है कि शरीर दर्द थींदा पाए। क्यों थींदा पाए वाला गौर करें दें कि आज ऐसा चाय पीवन ही भूल गए हैं। अच्छा जी, था डू कप तैयार थी गा, मेरे ते मेरे शोहर दा कप तैयार थी गा, क्योंकि बाल तो चाय पीवन पसंद ही नहीं करें दे। वो ना नाश्ते चाय पींदे तो ना वो शाम को चाय पींदे। हाँ उन्हें कुछ उस जूस दो चाह कोल्ड ड्रिंक्स दो चाह वो सारा डी तो आपको पी के दिखे सन। अच्छा बहरहाल मैं हमेशा इतना असर दे टाइम बांधी हाँ चाय पीने वास्ते। हूँ उत्था गया से अपनी धी को छोड़न वास्ते गए से वह तू को घिन के आए से। आंदे आंदे सकू रात थी गई, हूँ थकावट भी थी गई है। देखो सारा बारू अंधेरा अंधेरा घुप लगा खड़ा है। अच्छा जी, था चाय पी बीच गई है। मेरे जो है ना शोहर की फरमाइश आ गई है कि जो है ना मैंगो शेक भी बढ़ा के दे, क्योंकि मेरे को तो वंजना है ही। वो पिछु मस्तियाँ को लगे बैठे रहते हैं, खावन पीवन को लगे बैठे रहते हैं। अच्छा इतना जल्दी नाल मैं मैंगो शेक बढ़ा छोड़ा है। बहु ही मज़ेदार ए वन के मैं दिती आवा अपने बालों को डूझे कमरे दे विच। अच्छा जी हाँ, ए घिनो जी मेरा शहजादा, पकड़ तू अपना गिलास जो है ना। हाँ जी, केजा बड़ा है हे मज़ेदार। चलो जी शुक्रिया, बहु बहु मेहरबानी, पसंद आ गए शेकुना को। अच्छा जी, मैं था आज बाजार भी गई हमें तो को मैं दसावण भूल गई हमें, दिखावण भूल गई हमें। तो ये काफ़ी मेरे को सौदे गिनने हैं, उनका डब्बा पाए खाली तो मैगी डर डर के उनके बिच वड़दा पाए। ये नवी चीज़ को इवें सर्च करें इवें डेदा है, हूँ डेदा खड़ा है, कुछ समझ नहीं आती पे, क्योंकि डब्बा डठा पै ना वो बिल्कुल घर दिकार लगता पे है। छोटा जिया मैगी डर कैं वे डरदा है तो कैं वे कैं वे वड़न की कोशिश करें, कोई फील आता पे कि शायद उनका घर है पिया। इन वास्ते मैं आखे तो को दिखावा कि सारा डी कि कमां को लगा वादा रहा, कि शरारत को लगा वादा रहा है। ये हूँ सूंघता खड़ा है, डेदा खड़ा है नवी चीज़ को कि आखिर क्या चीज़ है पई। बहरहाल जी ये काफ़ी देर इजो काम करें रहा सी, ये डेदा रहा सी, उसको सर्च करे सी। मैगू मैगू। अच्छा बहरहाल इतना मैगी दे डिनर द टाइम थी गए। मैं तो को दसा है कि मेरे को भेण दे घर वंजना, इन वास्ते मैं लेट थी वैसा। पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा के सारिया को खवा पिला के इतना जी हूँ मैगी की वारी भी आ गई है कि वो डिनर करें दा पे। चलो जी मैगी तो अपने डिनर को लगा खड़ा है, तो ये मैंगो शेक बच गए। ये वैसी फ्रिज दे विच जे को प्यास लग सी जेंदा दिल लग सी तो वो वाला चा चा के पीसी खड़ा। मैं हूँ वेंदी पिया हौले हौले लत्थी वेंदी हाँ। ये देखो हसबे मामूल लाइट को नहीं, इतना भेण दे घर गई तो ये लाइटिंग थी खड़ी उन्होंने घर दे उते, क्योंकि असा दुहान दी बिजली का जरा कनेक्शन है अलग अलग है। इतना जी दुआ वगैरह शुरू थी गई है। पहले जो है ना छोटा जिया मिला था ही, उन्दे बाद जो है ना वाला उन्हें ढोलकी वगैरह रखी हुई है। इतना दुआ वगैरह थींदी पी है, ये भेण इतना दुआ पढ़ती बैठी है, तो दुआ थी वने उनके बाद जो है ना वाला पीछे गीत वगैरह रख सन। इतना शुरू था बैठे सारे, ये मेरी बहन जो है ना मोबाइल दो ते दुआ वगैरह शुरू की पी, असा नाल बैठे हैं दुआ सुनते बैठे हैं। अच्छा जी ये मेरी कजन, ये सारे वेंदी पई ये जी सारे बजाओ आप शाबाश शाबाश। ऊपर देखो Thank you.
के सर में मत मारना। अगर जूस के अकाउंट है तो जो अकाउंट